नमस्कार दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग के अब दो मुकाबले बचे हुए हैं। ऐसे में कल दिल्ली कैपिटल के जीत के बाद मुंबई इंडियंस विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल से बाहर हो गई है। अब इस रास्ते से पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस फाइनल में, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में इस विमेंस प्रीमियर लीग में तीन टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, जिनमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर की टीम है। वही आरसीबी और गुजरात जायंट्स पहले ही WPL से बाहर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम WPL में लगातार नंबर एक पर बनी हुई थी, इसीलिए मुंबई इंडियंस के चांस फाइनल में जाने के ज्यादा थे। लेकिन कल खेले गए यूपी वॉरियर और दिल्ली कैपिटल के मैच में दिल्ली के जीत के बाद दिल्ली कैपिटल नंबर वन पर पहुंच गई। वही दिल्ली कैपिटल अपने 8 मुकाबले में 12 अंक प्राप्त कर फाइनल में जगह बना ली है, क्योंकि जो भी टीम WPL सीजन के अंत तक पॉइंट टेबल में नंबर एक पर आती वह टीम सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और वहीं मुंबई इंडियंस की टीम 8 मैच में 12 पॉइंट है, लेकिन दिल्ली कैपिटल के नेट रन मुंबई इंडियंस से अधिक है, इसी कारण से दिल्ली कैपिटल सीधे फाइनल में क्वालिफाई की है। तीसरी टीम यूपी वॉरियर है, जिन्होंने 8 मैच में 10 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। अब मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला 24 मार्च को अपने समय अनुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा और इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर, दिल्ली कैपिटल में से कौन सी टीम इस बार WPL की चैंपियन बनने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।